राजधानी पटना में प्रशासन फिर से एक्शन में आ गया है। राजीव नगर थाना इलाके के नेपाली नगर मोहल्ले में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई है। रविवार की सुबह लगभग 2000 पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी राजीव नगर पहुंचे और अवैध मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया। इस कार में 19 बुलडोजर लगाए गए हैं। इस दौरान कुछ लोग विरोध करने लगे। जब प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी तो करीब 7 लोगों ने खुद को आग लगा लिया, जिसके बाद वे बुरी तरह झुलस गए हैं। इस दौरान काफी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और प्रशासन की टीम पर भी पथराव शुरू कर दिया। हम चल रहे हैं, हम लोग बताया जा रहा है कि पटना के राजीव नगर में करीब 20 एकड़ जमीन पर अवैध निर्माण के तहत मकान बनाया गया है। जिला प्रशासन ने 70 मकानों को खाली करने का निर्देश दिया था, लेकिन जब लोगों ने मकान खाली नहीं किया तो अब कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार एक मकान को तोड़ने के दौरान एक महिला की दबने से मौत हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने इससे इनकार किया है। कार्रवाई के दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की गाड़ियों को निशाना बनाया और उनके ऊपर पत्थर फेंके, जिनमें पटना के सिटी SP राहुल भी घायल हो गए हैं। वहीं कई लोगों ने पुलिस टीम पर जलते सिलेंडर भी फेंके हैं। मौके पर पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव भी पहुंचे। उनका कहना है कि राजीव नगर और नेपाल नगर की जनता सिस्टम की गलती का खामियाजा क्यों भुगते, दोषी सरकार और उनके पदाधिकारी हैं। राजीव नगर और नेपाली नगर के पब्लिक जिस वक्त जमीन ले रहे थे या जो जमीन बेच रहा था, जब उस वक्त थाना थी, CO था, रजिस्ट्री ऑफिस हुई, पैसा दिया, गवर्नमेंट को पैसा दिया, उस वक्त गवर्नमेंट ने मना क्यों नहीं किया? रजिस्ट्री तो हम सरकार के यहाँ जाकर के किए, हमने रजिस्ट्री पैसा दी, उस वक्त गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या बनती थी? ये अवैध जमीन है या सरकारी जमीन है, हम घर जमीन नहीं देंगे? तब रजिस्ट्री से लेकर के गवर्नमेंट और नेताओं के दलालों ने थाना से मिलकर, CO, ADM से मिलकर के पब्लिक के साथ धोखा किया। पब्लिक निर्दोष होती है, वो उन्हें जहां जिंदगी जीने का आसियाना मिलेगा वो व्यक्ति वहां अपना परिवार को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा। इसमें एक गलती पब्लिक की नहीं है, क्योंकि सरकार इसमें गलत है। लगातार हाईकोर्ट को भी सरकार से बात करनी चाहिए थी। पब्लिक ने अपना तिल तिल जिंदगी बना दिया, अब किसी के पास कुछ नहीं बचा, बस ये नेपाली नगर और राजीव नगर बचा हुआ है।